परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 237 साधना में धैर्य और प्रेम। प्यारे लोगों, संतों का साधन ध्यान है। जो केवल मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन जानता है किंतु नादानुसंधान नहीं जानता है, तो वह अपने संत मत को सही सही नहीं जानता है। संत मत में शब्द का भी ध्यान है। शब्द ध्यान के सहित मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन भी है, वह पूरा संत मत है। शब्द से ही सारे संसार का पसार होता है, शब्द से ही संभाल होती है, शब्द से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। जितने विद्यालय हैं सब में शब्द की शिक्षा है। इसी शिक्षा से लोग बढ़ते हैं। संतों के यहां जो नादानुसंधान है, इस साधना से ईश्वर तक पहुंचा जाता है। ध्यान योग सब योगों से श्रेष्ठ है और सरल है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर जोर दिया है, संतों ने भी इसी को उत्तम साधन बताया, हम लोगों को भी यह बताया गया है। इसका अल्प अभ्यास भी महाभय से बचाता है। महाभय क्या है? जन्म लेना और मरना, यही महाभय है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह रोता है, उसको कष्ट होता है, इसलिए वह रोता है। कोई किसी को मार डालना चाहे तो मरने से भी लोग डरते हैं। इस तरह जन्म और मरण में दुख होता है। इसी दुख की निवृत्ति के लिए ध्यान है। जो ध्यान करेगा और चूक भी जाएगा तो वह दूसरे जन्म में भी मनुष्य ही होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी और किसी शरीर से ज्ञान ध्यान हो ही नहीं सकता। इसलिए वह मनुष्य ही होगा। थोड़ा भी ध्यान में रत रहा और गिर गया तो फिर उसको मनुष्य शरीर ही होगा, दूसरा शरीर हरगिज नहीं होगा। कोई कहे कि फलाने का शरीर छूटा, जो ध्यान करता था और गिर गया, इसलिए उसने कुत्ते बैल गधे का शरीर पाया, या हरगिज विश्वास करने योग्य नहीं है। ऐसी बात वह किसी द्वेष के कारण कहता है, उसकी कोई बात मानने योग्य नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए, अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को संत। नीच कुल में जन्म लेने की बात इसलिए कही गई है कि उससे कुछ चूक हो गई होगी। डॉक्टर अंबेडकर मेहतर थे और जगजीवन राम चमार हैं, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर श्रीमान थे और जगजीवन राम भी श्रीमान हैं। उत्तर तरफ में इसी जिले में एक चमार है जिसके यहाँ कुर्सी चौकी लोगों के बैठने के लिए लगी रहती है। लोग जाते हैं, बैठते हैं, उनके यहाँ से कर्जा ले जाते हैं। आज भी डोमरा सड़क जिसको काशी के डोमने बनवाया था अंग्रेज के समय में, हरिश्चंद्र काशी में डोम के यहाँ ही बिके थे।
डोम चमार नीच कार्य के लोग भी श्रीमान होते हैं, सब दिन योग का अभ्यास अवश्य करो। योग के आरंभ का नाश नहीं होता, हम लोगों को वही योग मिला है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। कई जन्मों में हम लोगों को काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि करोड़ों जन्म लेने पड़ते और अब लाख जन्म ही लेने पड़ेंगे तो कितना कम हो गया। एक लघु कथा है, एक राजा के मन में विरक्ति हो गई, वे एक इमली गाछ के नीचे बैठकर तप करने लगे। एक दूसरा आदमी था जो अपने परिवार से झगड़ा करके घर से निकल भागा और राजा की नकल में एक अरंड पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगा। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन और उस अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले के लिए मरुए की रोटी भेजी जाती थी। संजोग से एक दिन नारद मुनि उसी होकर जा रहे थे। राजा ने नारद जी से पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं विष्णु लोक जा रहा हूं। राजा ने कहा, महाराज जब आप विष्णु भगवान के यहां जा रहे हैं तो भगवान से आप पूछेंगे कि मुझे इस इमली गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करने पर उनके दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। नारद जी जब आगे बढ़े तो अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले ने भी उनसे कहा कि महाराज केवल राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस अरंड गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करना होगा। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए भी मैं भगवान से पूछ लूंगा। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि भगवान एक राजा इमली गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है और एक दूसरा आदमी अरंड गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है, दोनों ने पूछा है कि हम लोगों को भगवान के दर्शन के लिए कितने दिनों तक तप करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक राजा को तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे और अरंड गाछ के नीचे जो बैठा है, अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक उसको भी तप करना होगा, तब मेरे दर्शन होंगे। नारद जी जब भगवान विष्णु के यहां से वापिस लौटे तो पहले अरंड वृक्ष वाले से भेंट हुई। नारद जी ने उनसे कहा कि इस अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुमको यहां तप करना होगा, ऐसा तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ने कहा है। वह आदमी जब अरंड पत्तों को देखने लगा तो बहुत पत्तों को देखकर वह घबरा गया और यह कहकर चल दिया कि इतने वर्षों तक कौन तप करे, इससे तो अच्छा है कि घर का झगड़ा ही सही, घर में ही रहेंगे। वह अपना घर वापिस हो गया। जब नारद जी राजा के पास पहुंचे तो राजा ने बड़ी आतुरता से पूछा कि महाराज मेरे संबंध में भगवान से जानकारी ली थी। नारद जी ने कहा, हां भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है कि इस इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक आपको तप करना होगा, तब भगवान दर्शन देंगे। राजा यह सुनते ही प्रेम में मग्न हो गया और लगा नाचने। इतने में भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपने भी हद कर दिया, मुझसे तो आपने कहा था कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे, लेकिन आप तुरंत ही आ गए।
भगवान विष्णु ने कहा कि देखते हैं राजा को कितना प्रेम है, इनके प्रेम के वशीभूत होकर ही मैं अभी तुरंत यहाँ आया। जिस समय आपको इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कहा था उस समय ऐसा प्रेम इनमें नहीं था। हम लोगों को भी खुश होना चाहिए, जैसे इमली वाले का काम खत्म हुआ उसी तरह हम लोगों का भी होगा। गुरु महाराज की दया से हम लोग जन्म मरण से जल्दी छूट जाएंगे। बिना प्रमाण के किसी की बात को नहीं मानिए, भजन करते रहिए, कल्याण होगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 23/5/1966 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में प्रातःकालीन श्रीमती बहिन दाय झूलन दाय, जो आपकी संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सहोदर बहन थी, की स्मृति के भंडारे के शुभ अवसर पर आयोजित सत्संग में हुआ था।